उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से फैले कूड़े के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी कुलबे की हड़ताली सफाई कर्मचारियों से तुरंत कार्य पर लौटने को साथ ही यह भी कहा कि अगर नहीं लौटते हैं तो कोर्ट उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार चाहे तो उनकी मांगों पर विचार कर सकती है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए भी कहा कि अपनी मांगों को लेकर शहर को बंधक नहीं बनाया जा सकता है। नैनीताल से तेज सिंह रिपोर्ट। ये मामला था हल्द्वानी नगर निगम में चल रही हड़ताल के विरुद्ध। दिनेश चंदोला जी अधिवक्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उनके द्वारा याचिका दायर करके न्यायालय से कहा गया था कि सफाई कर्मचारी द्वारा अचानक ही हड़ताल बुला जाने के कारण, और लगातार हड़ताल पे थे ये लोग, और इसके कारण जो है पूरे शहर की सफाई व्यवस्था जो है गर्त में चली गई थी और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए दिखाई दे रहे थे। तो इसके विरुद्ध यहाँ याचिका दायर की गई थी।